मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सोमवार को CAA को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नियमों के अधिसूचित होने के 4 महीने बाद राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत केवल 8 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है। शर्मा ने बताया कि कैसे असम में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों ने लोगों को डराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि संशोधित कानून के तहत 50 लाख तक अवैध प्रवासियों को नागरिकता मिल सकती है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि केवल 8 लोगों ने CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि बंगाली हिंदू समुदाय के जो सदस्य राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में यानी कि NRC में शामिल नहीं है, वे नागरिकता के लिए CAA के तहत आवेदन नहीं करेंगे। शर्मा ने असम में नागरिकता के लिए कट ऑफ वर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि वे कहते हैं कि वे 1971 से पहले भारत आए थे। आपको बता दें कि असम ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का काम किया था, जिसकी सूची 2019 में आई थी, जहां लगभग 19 लाख लोगों के नाम NRC की अपडेटेड की गई सूची में नहीं थे, जो नागरिकता साबित करती हैं। शर्मा ने कहा, मैंने कई लोगों से मुलाकात की है, वे हमें बता रहे हैं कि हम अपनी भारतीय नागरिकता के बारे में आश्वस्त हैं, हम इसे कानून की अदालत में साबित करना चाहते हैं। असम के लोगों के बीच यही आम भावना है। इसके अलावा ये पूछे जाने पर कि क्या असम में विदेशी न्यायाधिकरणों के मामले वापस लिए जाएंगे, तो उस पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मामलों को कुछ महीनों के लिए रोकना पड़ सकता है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण में कार्यवाही को 2-3 महीने के लिए रोक दिया जाना चाहिए और लोगों को CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही शर्मा ने आगे कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति CAA के अनुसार जो कि 2015 से पहले भारत आया, उसे नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। अगर वे आवेदन नहीं कर सकते तो हम उनके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। इसीलिए यह एक वैधानिक निर्देश है, हम 2015 के बाद आए लोगों को निर्वासित करेंगे।